अभी हम खड़े हैं गौरकुत एक्सटेंशन रोड पे। ये जो है ये रैपिड मेट्रो का लेन जा रही है, ये जो पीछे इनॉग्रेट हुई थी लेटेस्ट अपना रैपिड मेट्रो वो स्टेशन है, मतलब लेन है, स्टेशन ही है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ये DLF की अरालियाज मैग्नोलियाज कैमेलियाज के प्रोजेक्ट है। ये सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट है गुड़गांव के, और मिनिमम जो इसमें एक आप अपना फ्लैट जो ले सकते हैं, अपार्टमेंट जो ले सकते हैं, वो आपको इसमें स्टार्टिंग रेंज है फ्रॉम 15 CR। काफ़ी लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, काफ़ी नाम है इसका गुड़गांव में। तो अब मैं इसी रोड पे आपको लेके चलूँगा कार से, इसका एक आपको पूरे रोड का व्यू दूंगा टिल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो बगैर और देर ना करते हुए आगे चलते हैं। का मेट्रो स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, और साथ में ही कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ये DLF का ये मैक्सिमम एरिया डेवलप किया हुआ है। सीधा सीधा चलते हैं। अब ये बिल्कुल बिल्कुल आप लगा लीजिए 5-6 महीने हुए इस रोड को बने हुए, बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और फिनिशिंग टचेस भी दी जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे अपना लेफ्ट साइड में ग्रीन बेल्ट मेंटेन किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रीन बेल्ट जहाँ तक मेंटेनेंस हो चुकी है। अच्छी बात हो रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। आपको ये सामने क्रिस्टल की बिल्डिंग जो दिख रही है ये DLF का Horizon 1 है। ये भी अभी पीछे ही साल भर पीछे ही ये खुला है, और इसमें काफी बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो MNCs हैं, Oracle, GSK, और इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस का भी ऑफिस है। ये जो अभी खुला नहीं है ये एक और टनल है जो बिल्कुल आपको डायरेक्टली गौरकुत एक्सटेंशन रोड ही लेके जाएगा। और इन फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैमेलियाज प्रोजेक्ट है, ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट है DLF का, और जो ऑलरेडी अंडर मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं वो है अरालियाज और मैग्नोलियाज। तो आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, और इसके लिए मिनिमम 15 CR की डिमांड एक फ्लैट के लिए की जा रही थी। आप सामने का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल फील वाला एरिया है। थोड़ा सा ये जो पैच है रोड का अभी मेंटेन या पूरा बना नहीं है, ये एक बार जो कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी अच्छा रोड ये बन जाएगा। सेक्टर 53 और 54 का मेट्रो स्टेशन है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। वीवो की ब्रांडिंग हो रही है, तो शायद वीवो ने इसके ब्रांडिंग राइट पे बिड की होगी और जीत गए होंगे। ये लेफ्ट साइड में जो कमर्शियल है MRMGF का कमर्शियल है वीवो का, इस पर बहुत बड़ा पूरी वीवो MR का ही ये कमर्शियल है, MR दुबई का ग्रुप है। तो बस ये थोड़ा सा ही पैच है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बाकी रोड का मैक्सिमम काम हो चुका है, और जब एंड में जाएंगे तो थोड़ा सा पैच वहाँ पे भी रह जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रोड हो गया है, पहले इस रोड पे काफ़ी जाम रहता था, अब मूवमेंट बहुत ही आसानी से स्लोली सब व्हीकल मूव कर रहे हैं, और अपना कोई रेड लाइट भी अब इस रोड पर नहीं है। तो काफ़ी पुराना डेवलप्ड रोड है गोल्फ कोर्स रोड। ये जो सारे कमर्शियल आप देख रहे हैं ये काफी पुराने डेवलप्ड हैं, काफी सारी MNCs हैं यहाँ पे, Fortune 500 कंपनीज भी बहुत यहाँ पे खुली हुई है। सामने जो आप प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं बगीचा, ये सेलकॉन का
वरांडाज है, इसकी बैक साइड में वरांडाज है। इस प्रोजेक्ट का नाम लाल लेगून इसके टॉप पे लिखा है। जो अच्छी चीज है वो इसकी बालकनी लग रही है, बालकनी बहुत ही बल्कि बालकनी है, काफी बड़ी दिख रही है। और इसके नेक्स्ट जो ये आप हैंगिंग एक अपना स्टोर रूम टाइप में चीज देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है वरांडाज। हाँ जी, ये वरांडाज है इसकी। इन्होंने ये यूएसपी यही रखा था कि हैंगिंग रूम्स रहेंगे इसमें। और ये अब सारे ये पारस का ट्विन टावर है। और अब हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए, 54 चौक, सेक्टर 54 चौक मेट्रो स्टेशन। इस पे किसी कंपनी का लोगो वगैरह नहीं लगा है, तो शायद इसकी राइट होगी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड स्टार्ट हो जाता है, उस पे जाके भी आपको वहां पे काफी अच्छी बिल्डिंग्स, काफी अच्छे आर्किटेक्ट वाली बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी सारे आपको दिखाएंगे। तो बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करना रह गया है।